हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिजायर। मैं हूं रिया। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक हल्दी मेकअप। एंड गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड मेरी एक प्यारी सी व्यूअर ने मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक हल्दी लुक क्रिएट करूँ, क्योंकि दिस मंथ उनकी शादी है। सो सबसे पहले आपको आपकी शादी की बहुत सारा शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि आपको ये लुक पसंद आने वाला है। सो अगर आपको ये लुक पसंद आ जाए देन मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा गाइस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास जो बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर लें, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको मिलते रहे एंड मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे लिया है मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर और ये गुड वाइब्स का विटामिन ई नरिशिंग क्रीम है, जो कि ड्राई एंड ऑयली हर स्किन टाइप्स के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है कुमकुम आदि ऑयल और ये ऑरा वेदिक का है। आप किसी भी एसेंशियल ऑयल या फिर फेशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, बट विंटर में मेकअप के लिए कोई फेशियल ऑयल यूज़ करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेकअप को अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लॉसी एंड फ्लॉलेस लुक देता है। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है प्राइमर और मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लॉट परफेक्ट प्राइमर और इस प्राइमर को मैंने इस तरीके से अपनी टी जोन एरिया में फोकस करके पूरे फेस और नेक पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने फाउंडेशन के लिए लिया है मेबेलिन की फिटनी फाउंडेशन। मेरा शेड है 230 नेचुरल बफ और इसे मैंने अपने हाथ पे लेकर इस तरीके से थोड़ा सा ड्यू लुक देने के लिए इसके साथ जो स्विस ब्यूटी की लिक्विड हाइलाइटर है उसे इस तरीके से ब्लेंड करके अपने फेस पे इस तरीके से एक ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर लिया है। और इस लिक्विड हाइलाइटर में मेरा शेड है गोल्ड। सो अगर आपका स्किन टोन मेरा जैसा है देन आप इस शेड को यूज़ कर सकते हैं। सो इसे इस तरीके से अप्लाई कर लेने के बाद मैंने इस तरीके से एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और इस लुक के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स या फिर ज्वेलरी भी यूज़ किया है सारे के सारे काफ़ी अफोर्डेबल है, अराउंड 300 to 500 में ही है सारे के सारे, तो हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है आई थिंक। सो नेक्स्ट मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर और ये भी स्विस ब्यूटी का ही है और इसका शेड है 02 सैंड सेबल और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा हाइलाइटिंग कंसीलर है। एंड गाइस, ये वाला कंसीलर मुझे काफ़ी पसंद है, दैट्स व्हाई मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। एट द सेम टाइम ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला कंसीलर। किसी ने कमेंट करके बोला था कि आप एक ही कंसीलर क्यों यूज़ करते हैं हर टाइम, क्योंकि मुझे ये वाला कंसीलर बहुत पसंद है गाइस। सो मैं इसी कंसीलर को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ और मेबेलिन का भी मुझे पसंद है, बट इसका जो फिनिश है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। सो इस कंसीलर को मैंने इस तरीके से अपने मोस्टली कंसीलर वाले एरियाज पे अप्लाई करके इस तरीके से डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर में ही थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, तो मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपने आई पे भी थोड़ा सा इस तरीके से डैप कर लिया है, ताकि आई शेडो बेस भी क्रिएट हो जाए। और पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी की कॉम्पैक्ट और मेरा शेड है 02 वेरी नेचुरल। सो इसे भी मैंने इस तरीके की एक पाउडर ब्रश की हेल्प से लेकर अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैंने अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी आईब्रो एंड जेल आईलाइनर और इसमें से आईब्रो पाउडर को इसके साथ ही जो ब्रश आता है टू साइड वाला और एंगल साइड से मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है इस तरीके से। और इस तरीके से थोड़ा सा ड्रामेटिकली मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है। नेक्स्ट मैंने सेम कंसीलर को एक इस तरीके की प्रेशर ब्रश की हेल्प से लेकर अपने आईब्रोज एरिया को क्लीन कर लिया है इस तरीके से और इससे आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखती है एंड ड्रामेटिक लुक भी काफ़ी उभर के आती है। सो इस तरीके से आईब्रोज के नीचे एंड आईब्रोज के ऊपर फोरहेड एरिया पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है एंड सेम ब्रश की हेल्प से ही थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड इसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही थोड़ा सा डैप कर लिया है, ताकि अगर पिसल का दाग रह गया हो तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड जो लुक है ओवरऑल वो फ्लॉलेस दिखे। नेक्स्ट जो आई शेडो बेस एंड आईलिड एरिया है उस एरिया को सेट करने के लिए मैंने सेम कॉम्पैक्ट इस तरीके की एक स्मॉल बबल ब्रश की हेल्प से लेकर अपने आईलिड पर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट आई शेडो के लिए मैंने लिया है मालियो 18 कलर्स आई शेडो पैलेट और इसमें से ये वाला जो लाइट ब्राउन शेड है इसे इस तरीके की एक एंगल्ड फ्लफी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लेकर मैंने अपनी क्रीज लाइन पे फोकस करके आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है एज माई ट्रांजिशन शेड।
नेक्स्ट सेम पैलेट से सेम ब्रश के हेल्प से ये वाला जो थोड़ा सा डार्कर रेडिश काइंड ऑफ ब्राउन शेड है इसे अगेन लेकर अगेन मैंने क्रीज लाइन में फोकस करके आउटर कॉर्नर से सर्कल हमेशा में इनर कॉर्नर की तरफ बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और मैंने तब तक इस पार्ट को ब्लेंड अप्लाई करके ब्लेंड किया है जब तक मुझे मेरा डिजायर शेड ना मिल जाए। नेक्स्ट मैंने लिया है हीरा रॉयडर की आईशेडो पैलेट और 01 शेड है ये। और इस पैलेट में से जो पर्पल कलर शेड है इसे एक थोड़ा सा टेपर्ड आईशेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लेकर मैंने आउटर कॉर्नर एंड क्रीज लाइन में फोकस करके अच्छे से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है। अगेन मालियो की आईशेडो पैलेट से ये वाला जो ब्लैक शेड है इसे लेकर मैंने इस तरीके से आउटर कॉर्नर में एक विंग क्रिएट करते हुए सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा क्रीज लाइन में ब्लेंड कर लिया है। और मैंने यहाँ पे सेम ब्रश को यूज़ किया है जिस ब्रश से मैंने पर्पल शेड को यूज़ किया अप्लाई किया था उसी ब्रश से मैंने ब्लैक शेड को भी अप्लाई किया है। और इस मालियो पैलेट में मेरा शेड नंबर है 01। इस एक क्लीन ब्रश के हेल्प से सारे शेड्स को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि कोई हार्श लाइन या फिर एजेस ना रह जाए एंड आई मेकअप जो है बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कट क्रीज किया है और कट क्रीज करने का ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से कंसीलर को अप्लाई करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हुए आप इस तरीके से कट क्रीज की लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सेम कंसीलर से कट क्रीज अप्लाई किया है और ये वाला जो ब्रश है बिल्कुल स्मॉल कंसीलर ब्रश है। क्रीज कर लेने के बाद क्योंकि कंसीलर बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है सो कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने सेम कॉम्पैक्ट पाउडर से क्रीज वाला एरिया को सेट कर लिया है। और इसके बाद मालियो की सेम शेडो पैलेट से जो गोल्डन शेड है उसे इस तरीके की एक ब्रश को थोड़ा सा वेट करके मैंने अप्लाई कर लिया है कट क्रीज वाला एरिया में। एंड अगेन हीरा रॉयडर की आई शेडो पैलेट से जो पर्पल शेड मैंने पहले अप्लाई किया था उसे अगेन थोड़ा सा अप्लाई करके गोल्डन शेड के साथ मैच मिक्स कर लिया है ब्लेंड कर लिया है। लिया है स्विस ब्यूटी की लिक्विड ग्लिटर आई शेडो और मेरा शेड है 01 गॉर्जियस गोल्ड गॉर्जियस। और इस आई शेडो की हेल्प से मैंने एक इस तरीके की फ्रस्टर ब्रश की हेल्प से लेकर जो गोल्डन शेड मैंने अप्लाई किया उसके ऊपर अप्लाई कर लिया ताकि जो गोल्डन शेड है वो और ज़्यादा वाइब्रेंट दिखे। और इसके बाद मैंने अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी की जेल आई लाइनर और इसके हेल्प से मैंने इस तरीके से एक विंग्ड आई लाइनर ड्रॉ कर लिया है। अगेन मालियो की सेम आईशेडो पैलेट से ब्लैक शेड लेकर इस तरीके की एक एंगल ब्रश की हेल्प से जो जेल आईलाइनर मैंने अप्लाई किया उसके ऊपर अप्लाई कर लिया है ताकि जेल आईलाइनर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। एंड इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया फेक लैशेस और इसके बाद मैंने अपने वाटरलाइन में अप्लाई कर लिया है एबीआर की इंटेंस गोल्ड इन द शेड वाइट। और इसके बाद सेम ब्लैक शेड लेकर मैंने अगेन अपने लियर लैश लाइन को थोड़ा सा स्मच कर लिया है ताकि स्मोकी सा लुक आए एंड अगेन पर्पल शेड से ब्लैक शेड को स्मच कर लिया है। और इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है मस्कारा और मैंने यहाँ पे लिया है बेबी टोटल टेम्परेचर मस्कारा और इसकी हमसे मैंने 2 से 3 कोट अपनी लोअर लैशेस पे और थोड़ा सा अपने अपर लैशेस पे भी अप्लाई कर लिया है। एंड सेम आई शेडो पैलेट से जो लाइट ब्राउन शेड है उसे एक एंगल ब्रश की हेल्प से लेकर स्मॉल एंगल ब्रश की हेल्प से लेकर मैंने अपनी नोज को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है मेकअप रिवोल्यूशन की प्रो एचडी एम्पलीफाइड पैलेट और इस पैलेट में से ये वाले जो ब्रॉन्जर शेड है इसे एक कंटूर ब्रश की हेल्प से लेकर मैंने अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर कर लिया है और इस तरीके से अपने जॉ लाइन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट सेम पैलेट से ये वाला जो शेड है पॉजर ब्लशर शेड है काफ़ी अच्छा कोरल पिंक शेड है इसे लेकर मैंने अपनी एपल्स ऑफ द चिक्स पे अप्लाई कर लिया है एज माई ब्लशर। मैं सेम पैलेट से ये वाला जो हाइलाइटिंग शेड है नेम है एक्स्ट्रा इसे एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से लेकर मैंने अपने मिडल नोज टिप ऑफ द नोज आई ब्राउ बोन आईज के इनर कॉर्नर एंड एक बिग ब्रश की हेल्प से लेकर अपनी हाई स्पॉट्स ऑफ द चीक्स क्यूपिड ब्रो चिन एंड फोरहेड पे अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट लिप्स के लिए मैंने अब लिया है 2 लिपस्टिक। पहला वाला है विविध मैट मेबेलिन की स्कारलेट रेड और ये बुलेट है और इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है NYBA की लिक्विड लिपस्टिक शेड है लिट एस टाइम स्क्वायर बॉल 6 और ये काफ़ी अच्छा वाइन रेड शेड आया है सो मुझे लिपस्टिक काफ़ी पसंद है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मिस क्लियर की ड्यूवी सेटिंग स्प्रे और ये काफ़ी अच्छा ड्यूवी लुक देता है और मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग करता है। नेक्स्ट मैं वेयर करने वाली हूँ ये वाला की ज्वेलरीज और इसी के लिए मैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए वेयर कर रही थी क्योंकि मुझे ये आज ही रिसीव हुआ है। मैंने इसे परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से अराउंड 245 और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये हेल्दी मेकअप लुक।
सो अगर आपको ये लुक पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड आपको ये लुक कैसा लगा या फिर आप कोई दूसरा लुक देखना चाहते हैं देन वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कमेंट करके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।